जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल पर कि आप भी बन सकती हैं यूट्यूबर। ये वीडियो मुझे हमेशा लगता था कि मैं तब बनाऊंगी जब मैं यूट्यूब पर एक मुकाम पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन आप सब लोग इतने सारे मैसेजेस करते हैं, इतनी सारी मेल्स करते हैं और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हैं और जो मुझसे पूछती हैं कि हम क्या करें, हमारा चैनल है लेकिन वो चल नहीं रहा है या हम चैनल बनाना चाहते हैं। तो आज मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि आज मैं इस वीडियो के द्वारा उन सब के क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ। तो मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस YouTube वीडियो से आपको मिलने वाली है कोई ऐसी रेसिपी जो आपको बता देगी कि आपको कौन सा चैनल बनाना चाहिए और वो चैनल किस तरीके से जल्दी से चल जाएगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मैं आज आपके साथ जो भी शेयर करने वाली हूँ वो मैंने अपने 16 महीने के एक्सपीरियंस से सीखा है। मैं आपको सिर्फ 5 बातें बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर जो कि मैं सोचती हूँ कि आपको ज़रूर करनी चाहिए या ज़रूर समझनी चाहिए एक YouTube चैनल खोलने से पहले। YouTube चैनल खोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको 2 मिनट लगते हैं, आप Google से, YouTube वीडियो से सीख सकते हैं कि चैनल कैसे खोलना है और चैनल बन जाता है। लेकिन चैनल को बनाना और चैनल को चलाना ये दोनों ही बहुत अलग अलग बातें हैं। तो 5 चीजें जो मैं चाहती हूं जिनको आप समझें अच्छे तरीके से अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहती हैं। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझने के लिए कि यूट्यूब चैनल आपको क्यों खोलना चाहिए, वो ये है कि अगर आप किसी को हंसा सकते हो, अगर आप किसी को रुला सकते हो और आप अगर किसी को कुछ सिखा सकते हो तो आपको बिल्कुल खोलना चाहिए अपना YouTube चैनल। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है ऐसा करने से और आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसा कर पाएंगे अगर तीनों में से एक भी चीज़ आप कर पाते हैं एक अच्छे प्रेजेंटेबल मैनर में। YouTube पर लाखों चैनल रोज खुलते हैं और लाखों ही बंद हो जाते हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो लोग YouTube पर आते हैं ये सोचकर कि वो बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं YouTube पर, तो उन्हें YouTube पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपको पैसों की वजह से YouTube कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि YouTube आपको कभी भी इतने पैसे नहीं देगा कि आप उससे अपना घर चला पाएं या आप उससे अपनी पॉकेट मनी चला पाएं, तब तक जब तक आपके 20K 30K सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे। और ये YouTube की हार्श रियलिटी है जिसको जानना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके थॉट्स में, आपके सब्जेक्ट में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस निश के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, आप कुकिंग चैनल बनाती हैं, तो आपकी रेसिपी सबसे यूनिक होनी चाहिए और उनको प्रेजेंट करने का तरीका भी अनोखा होना चाहिए, एटलीस्ट दूसरों से हटकर होना चाहिए। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको भीड़ में रहते हुए भीड़ से आगे चलना है। अगर आप कोई टेक चैनल खोलना चाहती हैं, कोई ब्यूटी मेकअप या फैशन रिलेटेड चैनल खोलना चाहती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उस चीज़ की पढ़ाई करें। अगर आपको लगता है कि मैं उम्र में ज़्यादा हूँ, ये पढ़ने की मेरी उम्र नहीं है, तो आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप कर सकती हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकती हैं। हर एक सब्जेक्ट की डिग्री होना आपके पास ज़रूरी नहीं है। YouTube आपकी डिग्रीज को चेक नहीं करेगा, YouTube पर जो ऑडियंस है वो ये डिसाइड करेगी कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहती है या नहीं। तो आपको अपने ऑडियंस को इम्प्रेस करना है और ऑडियंस तब इम्प्रेस होती है जब वो आपके वीडियो से कुछ सीखती है या उसको कुछ मिलता है, एटलीस्ट एक ऐसा फैक्टर लाइक जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं कि वो पिक्चर हमें अपने आप से बांध कर रखे। आपके वीडियो में आपको अपने ऑडियंस को बांधना है, आपको सच्चे दिल से वीडियो बनाना है एक अच्छी इंटेंशन के साथ। और विश्वास मानिए, ये कैमरा सच्चाई को पकड़ लेता है। अगर आप सच्चे दिल से एक वीडियो बना रहे हैं, चाहे आपकी निश कुछ भी हो,
आपका चैनल जरूर चलेगा। बहुत सारी मेरे पास ऐसी मेल्स हैं और ऐसे मैसेजेस हैं जो मुझे ये बताते हैं कि वो क्लियर नहीं है कि वो किस निश पर अपना चैनल बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, खाली इस बात को सोचकर ऐसा मत करिए कि आप चैनल ही ना खोलें। आप अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज़ बनाइए और देखिए कि ऑडियंस को कौन सा जो सब्जेक्ट है आपका वो ज़्यादा पसंद आता है, किस वीडियो पर आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए अपनी निश को, और उसके बाद जुट जाइए उस निश के लिए और उस पर काम कीजिए। बी कंसिस्टेंट। बहुत सारे लोग और बहुत सारे YouTube वीडियोस आपको ये बताएंगे कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन लोग इसलिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं YouTube के ऊपर कि जब एक महीना, दो महीना, चार महीने, छः महीने वो वीडियोस डालते रहते हैं और वीडियोस नहीं चलते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप अपने सब्जेक्ट में क्लियर हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत ज़रूर पहुँचेगी ऑडियंस तक। तो आपको हिम्मत नहीं आनी है। अगर आपके वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो इम्प्रोवाइज़ कीजिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने वीडियो को प्रेजेंटेबल बनाइए। आपको काम करना होगा, आपको अपने वीडियो को एक ऑडियंस की तरह जज करना होगा। अपने आसपास के लोगों से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने पति से, अपने बच्चों से पूछिए कि उस वीडियो में क्या कमी है और इम्प्रोवाइज़ कीजिए। इम्प्रूव करने का हमेशा स्कोप होता है लाइफ में अगर आप करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी इस थॉट से वीडियोस नहीं बनाने हैं कि आपको सब कुछ आता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट की टीचर भी हैं और आपका एक चैनल है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, तब भी आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं साइंस की टीचर हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, मैं इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो ठीक है। आपको उस साइंस के सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है जिससे बच्चे और उनके पेरेंट्स आपके चैनल को देखें। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकती हैं अगर आपका चैनल नहीं चल रहा है, तो अपने वीडियो को ऑडियंस की तरह देखिए और उसके बाद इम्प्रूव कीजिए। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितनी भी लड़कियां, औरतें एक उम्मीद के साथ इस वीडियो को देख रही हैं कि कैसे मैंने ये चैनल बनाया, कैसे मैंने 16 महीने के अंदर चैनल चलाया, और मैं नहीं मानती हूँ कि मैं YouTube पर अभी किसी भी मुकाम पर हूँ, लेकिन जो भी जैसा भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। मेरे पास डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के 44th ईयर में हूँ, जहाँ पर मैं वेल सेटल्ड हूँ। मैं पैसों की वजह से YouTube पर नहीं हूँ, पैसे वो पर्क्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं YouTube से, और अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हो, उससे आपको लोग पहचानते हैं, पैसे भी आते हैं, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर मेरे चैनल से रिलेटेड या मुझसे आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ भी टेक्निकली आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये खुला हुआ है आपके लिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जितनी एडवाइस अपनी समझ के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको दे पाऊंगी, मैं जरूर दूंगी। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं जरूर कुछ ना कुछ सिखाएंगे अपने आसपास के लोगों को, मेरे को, और जरूर आप चैनल बना सकते हैं, एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन पेशेंस इज द की, आपको पेशेंस रखने होंगे और आपको सच्चाई के साथ काम करना होगा, और जरूर आपका चैनल चलेगा। और एंड जिस बात से मैं करना चाहती हूँ इस वीडियो को, वो ये है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही वियर्ड प्लेस है, तो बहुत ज़्यादा दिल मत लगाइए इस वियर्ड प्लेस से। सच्चाई के साथ काम कीजिए, प्रोफेशनली काम कीजिए। अगर आप अपने इमोशंस को जोड़ देंगे चैनल के साथ, मेरे को एक ऐसी मेल आई जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थी, उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक बनाया कि देखो तुमने चैनल खोल दिया, चैनल चला नहीं। तो इन सब चीज़ों से मत घबराइए। आपको चैनल खोलने से पहले इस बात की मजबूती रखनी होगी कि अगर चैनल नहीं भी चला तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम हर एक काम के लिए नहीं बने होते लाइफ में। हम जरूर, हो सकता है कि अगर चैनल चलाने में सक्सेस ना हमें मिले तो हम किसी और काम में सक्सेसफुल हों। तो अपने आप को जज मत कीजिए सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की वजह से। आप यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा आगे हैं। मैंने आज इस वीडियो को बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं करी, ना तो कोई स्क्रिप्ट लिखी और ना ही बहुत ज़्यादा सोचा। तो ये वीडियो जो है बिल्कुल दिल से है, लेकिन अगर ये वीडियो आपकी मदद करता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल का
कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर एक यूट्यूबर बहुत एनकरेज होता है जब उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।